नर्मदे हर। हम नर्मदा वाहन परिक्रमा में 10वें एपिसोड सीता माता जंगल से निकलकर निमावर की ओर जा रहे हैं, जहां पे हम पहुंचेंगे नर्मदा परिक्रमा में मां नर्मदा के स्वरूप की नाभि जिसे कही जाती है। अमरकंटक से लेकर गुजरात में खाड़ी में जब तक गिरती है, तब तक उसका जो सबसे मिड पॉइंट है वो निमावर को कहा जाता है। इसी पे निमावर का नाम भी रखा गया है। यहाँ पे बहुत से दिव्य स्थान, बहुत से पौराणिक और हिस्टोरिक काल से चले आ रहे मंदिर आश्रम भी हैं। नाभि में जो पानी है वो समुद्र से आता है, वो समुद्र जो कि माँ के पैरों में है वही नाभि कुंड में आता है। तो माँ नर्मदा जो बह रही हैं उनका जो नाभि ये कुंड है, इसमें पानी खारा होता है। इस आश्चर्यचकित को देखकर, जगह को देखकर सभी परिक्रमावासी आनंद में मुंह में हो गए। हमारे यात्री सारे एनर्जी में अभी भी, और अमरकंटक के लिए बहुत बहुत इंतजार में, तो सब अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। कोई बात विचार चल रही है, चर्चा चल रही है कि क्या है अमरकंटक का, किसने क्या पढ़ा है, किसने क्या नहीं है। तो कोई अपनी नींद पूरी कर रहा है कि कुछ अमरकंटक में छूट ना जाए इसलिए नींद पूरी कर लो। तो सभी लोग बैठे हुए हैं और हमने हल्का सा ब्रेक लिया था यहाँ पे थोड़ा किचन का सामान लेने के लिए, अब वापस ट्रैक पे आ गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ परिक्रमावासी बस में कर क्या रहे हैं। इस आश्चर्यचकित बात को देखकर सभी परिक्रमावासी अब अपने में वो आश्चर्यचकित नहीं होते, अब वो इस बात पे देखकर खुश होते हैं कि ये तो चमत्कार माँ तो है ही, ये हमें तो देखना ही है। अब जो उनकी डिमांड थी यहाँ पे आने की कि हमें कुछ हट के देखना है, अब उनकी रूटीन बन चुकी है, क्योंकि डेली बेसिस पे उन्हें इतने चमत्कार दिखने शुरू हो गए हैं कि अब वो इस चीज़ से चकित नहीं होते हैं, परंतु प्रसन्न होते हैं कि ये लीला तो हम देखने ही आए थे। चर्चा हो रही है यहाँ पे, बहुत गहरी चर्चा। उठ कैसे गई, सो जाओ ना। मार मुझे। रोड बहुत खराब है, मतलब यहाँ की ये जो सीमेंटेड दिख रही है आपको देखने के लिए सीमेंटेड है, पर बहुत कच्ची है, तो बस हिल बहुत रही है। तो आज अमरकंटक और हम स्टे करेंगे वहां पे। ध्यान ये रखना है कि हम मैया क्रॉस नहीं करें, तो हम दो दिन का जो मैंने स्टे देखा है उसको मैं प्लान आउट कर रहा हूँ कि एक दिन हमें मैया के इस साइड रुकना है और एक दिन मैया के उस साइड रुकना है। कैसे कैसे वो प्रोसीजर होगा ये चलते वक्त सोच। और अभी मुझे लगेंगे रात के 8-9 बजे कि हम घाट क्रॉस करेंगे। बेस्ट बात ये है कि बीच में एक रास्ता आने वाला है जहाँ पे हमने एक और बस वाले को बोला है कि साथ में चलेंगे, क्योंकि नक्सली एरिया होता है तो वहाँ पे हमले भी हो सकते हैं,
दूसरे दो बसेस साथ में चलेंगी, वो रात का घाट शुरू होता था। अगर मैं लाइव नहीं आऊंगा तब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके उसकी अलग से वीडियो निकाल दूंगा, वो घर जाने के बाद एडिट टेबल पे। तो अभी तक के लिए परिक्रमा वासियों के साथ आप देखते रहिए इतने हमारी इतने ज्यादा एडवेंचरस टूर में हम जिंदा पहुंचेंगे एक उसमें नहीं। ये मुस्कान देख रहे हो, इसी मुस्कान को देख के मैं दर्द से निकल रहा हूँ। अरे कुछ ही देर की है और उसके पास लड़कियां लगेंगी ना, तो वेरी गुड फाइटर भाई मैं कह रहा हूँ। भाई या ए ये मार मार मुझे। तो ये हमारे हनुमान जी महिला रूप में बैठी हुई है, ये भाई साहब इन्होंने ही वजन संभाल रखा है, बस इन्होंने ही बस का भार संभाल रखा है। और वैसे अगर ये वजन हिल जाता तो मैं इस दीवार से लग रहा होता ऊपर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये देखो कितने खुश हैं ये प्रथम आवासी मेरे को ऐसे देख कर, इन्होंने बहुत खुश होता है मेरा चकल देख लो। और श्री सोनी जी का तो क्या, अब तो बुरी क्या दिखा, वो आदमी नहीं दिख रहा आपको। मैं लाइव मुझे लगता है मुझे लाइव ही नहीं आना चाहिए, तो पता है लोग बोलेंगे क्वालिटी खराब है, क्वालिटी नहीं इतने बच की है। भाई नहीं हो सकता, कितने मिनट का बना दिया ब्रो। गाइस 5 मिनट की लाइव कर दी मैंने, तो अब मैं बाद में करूंगा 5 मिनट की, और लड़कियां ज्यादा मुझे लग नहीं रहा आपको, आप इंजॉय भी कर रहे हो क्योंकि जिस आंगन में माँ खेलती है उस जंगलों में ओस एक हवा में चलती हुई इतनी अच्छी ठंडक बनी हुई जैसे परिक्रमावासी गदगदाए नहीं रुक रहे, खुद ही जंगलों में ऐसे घूम रहे हैं जैसे ये जंगल तो वे बहुत पहले से जानते हैं। अपने अलग ही एक भक्ति रूप को सबको दिखाते हुए अमरकंटक को चकित करते हुए ऐसे ये परिक्रमावासी अब माँ की उस कुंड में जा चुके हैं जिस कुंड से मां ने अवतार लिया था। Do you?
सभी लोग अपने मन से माँ को नमन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो शहरों में थे, ये वो लोग हैं जो अभी तक कभी परिक्रमा में आए नहीं थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये रूटीन कभी फॉलो नहीं किया था। ऐसा क्या हुआ जो इन सभी में इतना अच्छा रूटीन बना लिया कि सबको पता है किसको कहाँ बैठना है, क्या करना है, किसको क्यों नहीं कहना, किसी से क्यों नहीं बात करनी, क्यों बात करनी है, क्या करनी है, किस लिए करनी है, ये सारे प्रश्न बहुत छोटे रह गए। सब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है सबका। ये बैलेंस जो सबने अपनी बॉडी में अपनी बॉन्डिंग से बनाया है, इसे सोल लेवल कनेक्शन कहते हैं, कि जब सबको पता हो सबके बारे में बिना पूछे बिना जाने। माँ के इस रूप को देख के आज मैं भी बहुत आनंदित हुआ। अनुभव तो बहुत होते हैं, हर परिक्रमा एक अलग अनुभव है। ये अनुभव देख के मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि अकेला तो माँ ने मुझे दर्शन दिया है, परंतु इतने लोगों में माँ ने मुझे दर्शन दिए हैं। माँ तू सच में बहुत प्यारी है, माँ तू बहुत विशाल है, तू देवी है, तू पुत्री है उस महाकाल की। तुझको मेरा नमन। नर्मदे हर।